अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। क्लास फोर, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड एंड यू ऑल नो वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू टॉपिक विच इज़ एरिया एंड पेरीमीटर। व्हाट इज़ एरिया? द अमाउंट ऑफ सरफेस अ शेप कवर्स इज कॉल्ड इट्स एरिया। कोई भी शेप जितनी सरफेस कवर करेगी हम उसको, उस सरफेस को उसका एरिया कहते हैं, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड आउट एरिया, लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स, दिस इज योर सी वर्क, दिस इज योर क्लास वर्क, और यह आपने अपने ऑनलाइन जो फोल्डर है, ऑनलाइन वर्क का जो आपने फोल्डर बनाया हुआ, उसके आगे आपने ये काम करना है। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द गिवन लेंथ इज 3 सेंटीमीटर and the breadth is 1 centimeter. So to find the area of rectangle we have a formula, and the formula is length into breadth, length multiplied by breadth. By putting the values in the given formula we will get our answer, we will get our area of rectangle. So let's start our work. Length is 3 centimeter multiply breadth, which is 1 centimeter. 3 centimeter multiply by 1 centimeter, we will get 3 centimeter square. 3 centimeter square, clear? You all know the unit of area is squared, okay? So it is 3 centimeter square. Now students, we will learn about perimeter. How to find out perimeter? First, to find out perimeter, I will again remind you what is perimeter. Perimeter is the word used, the word we use for the total length of the sides of any shape. Shape कोई भी हो सकती है, कोई भी क्लोज शेप की आप बाउंड्री को कह सकते हैं perimeter है. The shape can be of triangle, रेक्टेंगल, शेप कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने उसकी जितनी भी साइड्स हैं उसकी टोटल लेंथ लेनी है, टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, और वो टोटल लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क विच इज़ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हियर वी हैव द गिवन लेंथ इज 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, and to find out the perimeter we have the formula length plus breadth multiply by 2, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों ही ठीक हैं। अगर आपको पेपर्स में इस सेकेंड वे में भी लिखा हुआ आता है या फर्स्ट वे में इस तरह लिखा हुआ आता है, तो ये दोनों करेक्ट फॉर्म्स हैं। आप इसमें कन्फ्यूज़ आपको होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, लेंथ है हमारी 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर वी विल गेट 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 वी विल गेट 8 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड वन मोर थिंग, द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज ओनली सेंटीमीटर, there is no squared unit, okay? Only area has squared unit. उसके अलावा हमने length, breadth और perimeter या कुछ भी find out करना है तो उसमें आपने centimeter ही लगाना है, उसके area में, आप उसके unit में squared नहीं आएगा। Now student, this is your C-work. और ये आपने सी वर्क में करना है, क्लास वर्क में करना है, एंड योर ऑनलाइन वर्क शुड नॉट बी मिक्स्ड अप विद योर डेली वर्क। कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन वर्क को डेली वर्क के साथ मिक्स कर देते हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट डू दिस वर्क ओनली आफ्टर द ऑनलाइन क्लास वर्क फोल्डर, ओके। हियर इज़ योर होमवर्क, which is find area and perimeter
if the given length is 7 cm and the breadth is 2 cm. As I already told you कि आपने ऑनलाइन फोल्डर के आगे करना है और होमवर्क आपने अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे ही करना है, लेकिन आगे ऑनलाइन फोल्डर के आगे करना है। आपका होमवर्क भी आपके डेली के होमवर्क के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन होमवर्क। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये हमारा एरिया और पेरीमीटर था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है, एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज क्या हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं। तो आपने इसको अच्छे से फॉर्मूलाज को भी याद करना है, उसके यूनिट्स को माइंड में अपने रखना है। और यही हमारा आज का लेक्चर था। सो अपने आपने ये काम करना है। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।